आईब्रो जब भी आप फील करते हो तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा जेल आई लाइनर ही यूज करें आईब्रो फील करने के लिए। और जब आप आईब्रो फील करते हो, आईब्रो या फिर लाइनर लगाते हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी, जब भी आप आईब्रो लगा फील करना स्टार्ट करते हो, तो हमेशा सेंटर से स्टार्ट कीजिए, ना ही फ्रंट से और ना ही आउटर कॉर्नर से। इस तरीके से शेप बना लीजिए प्रॉपर। नीचे से जब आप स्टार्ट करते हो तो पूरा नीचे से आप ले सकते हो, लेकिन अपर डायरेक्शन में हाफ आपको लेना है। यहाँ से सिर्फ आपको फ्रंट से सिर्फ इस तरीके से करना है और आप अच्छे से अपना आईब्रो फील कर लोगे। तो इस तरीके से आपको आईब्रो फील करना चाहिए हमेशा। बीच सेंटर से आपको आईब्रो फील करना चाहिए, ना कि फ्रंट से। ओके तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ। जब भी आप आईब्रो फील करते हो, देखिए मैंने एक आईब्रो अपनी फील कर ली है पूरा अच्छे से। मैंने आईब्रो अपना बनाया नहीं है, फिर भी मैंने अच्छे से फील कर लिया है। इसके लिए आपको जब भी आप आईब्रो फील करते हो तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें, नीचे से जब भी आप आईब्रो के लिए लगाते हो तो आपको नीचे से तो एकदम फ्रंट से आपको लगाना है इस तरीके से अपना जेल आईलाइनर। देन अपर डायरेक्शन से आपको कभी भी फ्रंट से नहीं लगाना है, थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद आप इस तरीके से शेप बना लीजिए आईब्रो का, और फ्रंट में आपको इस तरीके से करना है। और फिर सेंटर पार्टीशन से आपको पूरा अच्छे से फील कर लेना है आईब्रो को। इस तरीके से आप आईब्रो फील करोगे तो आपके आईब्रो को एक अच्छा सा लुक मिल जाएगा और आपकी आईब्रो भी बहुत अच्छी दिखेगी। देखिए मैंने आईब्रो बनाया नहीं है, बट फील, बस आईब्रो फील करके ही मैंने अपने आईब्रो के एक अच्छा सा लुक दे दिया है। अब जैसे आपने जेल आईलाइनर लगाया है तो हो सकता है कि आपका आईब्रो इस तरीके से हाथ पे लगे, बट मेरा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आई शेडो पैलेट में से, जैसे डार्क ब्लैक कलर से हम लोग अपना आईब्रो फील करते हैं तो वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं दिखता है, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको आईब्रो आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर का शेड लेना है। डार्क ब्राउन शेड ले लीजिए और अपनी आईब्रो पे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके आईब्रो के एक नेचुरल शेड मिल जाएगा एंड आपका जो आईब्रो फैलने वाला होगा वो भी नहीं फैलेगा। तो इस तरीके से आपको आईब्रो को नेचुरल शेप भी दे सकते हो एंड अपना आईब्रो फील कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेल्फ हेयर स्टाइल, जो कि कॉलेज गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर सिंपली गर्ल्स हो आप और आपको हेयर स्टाइल बनाना है, ओपन हेयर रखने हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस साइड के हेयर को बना के दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का। और चोटी बनानी है। पूरा ईयर तक आपको गूंथ लेना है चोटी को। गूंथने के बाद से इसको बैक में इस तरीके से लेके जाना है एंड एक क्लिप से सेट कर देना है। तो
यहाँ से थोड़ा सा हेयर हटाएंगे, देन इसको अपने आपने जो बनाया है चोटी, इसको इस तरीके से टिक टेक क्लिप से सेट करेंगे और हेयर को उसके ऊपर से सिंपली इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहो तो दो क्लिप से इसको सेट कर सकते हो, क्योंकि सिंगल क्लिप से हमारा अक्सर खुल जाता है हेयर स्टाइल। अब आप कैसे भी रखो अपने बालों को, बहुत अच्छे से सेट रहते हैं। और इस साइड के हेयर को आप ऐसे ही रख सकते हो, इस एक साइड ही सारा हेयर ले आइए, तो इस हेयर स्टाइल का लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, आप चाहो तो ये वाला ओपन कर सकते हो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। और इस साइड से आपको थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेना है सेंटर पर, सेंटर से इस तरीके से, और सिंपल सी चोटी बना लेनी है। और थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेके इसके साथ, चोटी के साथ गुथते जाएंगे। बहुत प्यारा लगता है ओपन हेयर के साथ ये हेयर स्टाइल। फ्रंट से मैं हेयर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा फेस को कवर, फेस मेरा पूरा फ्लैट अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। अगर आपके बालों पे अच्छा लगता है तो आप इसको भी ले सकते हो। पूरा नीचे तक नहीं गूंथना है, क्योंकि हमको ओपन हेयर रखना है। अब थोड़ा सा गूंथने के बाद से साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिप से इसको सिक्योर कर लेना है और ऊपर से हेयर को गिरा देना है। और जो आपका फ्रंट में, अब मैंने हेयर छोड़ा था, इसको आप चाहो तो इसी तरीके से ओपन रख सकते हो। बट अगर आपको ओपन नहीं रखना है तो आप इस तरीके से सिंपली ले जाके और यहाँ पे एक क्लिप से सेट कर दोगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया गर्ल्स के लिए। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हेयर स्टाइल हमारा, और साइड से इस तरीके से लुक छोड़ा है। तो ये हमारे दो हेयर स्टाइल हो गए। यहाँ से आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच सकते हो, जिससे कि आपका जो आपने बन बनाया है, सॉरी जो चोटी बनाई है, उसका लुक और भी अच्छा दिखे। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तीसरे हेयर स्टाइल में आपको फ्रंट से थोड़ा सा हेयर लेना है, देन थ्री पार्ट में डिवाइड करके सिंपली फ्रेंच चोटी बनानी है। जैसे आप फ्रेंच चोटी बनाते हो वैसे ही बनाना है, लेकिन ओपन बालों के लिए बता रही हूँ, तो खुले रखने वालों को तो इसलिए हाफ हेयर में बनाएंगे हम लोग। फ्रंट से अगर लेयर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये वाला जो हेयर स्टाइल है थर्ड वाला, आपको छोटे माथे के साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जैसे आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। बस इतना ही आपको गूंथना है क्राउन एरिया तक अपने। अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से कॉम कर सकते हो, और कॉम करके फिर चोटी को बनाओ तो अच्छे से फिनिशिंग लुक आ जाएगा। उसके बाद आपको बैक में क्लिप से इसको सेट कर देना है। दो क्लिप लगाना है हमेशा, कभी भी आप क्लिप लगा रहे हो तो दो क्लिप जरूर लगाइए, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे इस तरीके से। और खुले बाल रखना है तो क्लिप अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन ले लेना है, देन इसको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करके ट्विस्ट करना है।
अच्छे से पूरा एंड तक ट्विस्ट कर लीजिए, और ट्विस्टिंग के बाद से सिंपली इसको राउंड राउंड इस तरीके से पूरा लपेट के, जो आपने क्लिप्स लगाई हैं उसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और बॉबी क्लिप से इसको सेट कर देना है। दो क्लिप्स लगा लीजिएगा ताकि खुल ना जाए आपका जो हेयर स्टाइल है वो। तो इस तरीके से थर्ड हेयर स्टाइल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रंट से इस तरीके का लुक आएगा और बैक से आपका इस तरीके का लुक दिखेगा। आई होप कि तीनों हेयर स्टाइल आपको समझ में आए हो और पसंद आया हो। बहुत ही आसान है, जिसको हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी इजीली बना लेगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर लीजिए। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आप बहुत इजीली बना पाओगे। फोरहेड, बड़े बड़े फोरहेड पे ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मत बनाएगा। अगर बना भी रहे हो तो लेयर्स या फिर फ्लिक्स कट जरूर होने चाहिए, जिससे कि आपका फेस को फ्रेम मिले और लुक अच्छा दिखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टा आईडी PreetyBhai24 है, तो वहाँ पे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और जो सेकंड चैनल है सिलाई से रिलेटेड वीडियोज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। थैंक्स फॉर